नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 135 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.04% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,48,704 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 73.20% है। बुक वैल्यू 93.40 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.48% है एंड फेस वैल्यू इसकी 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक 50 और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसकी मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, कल इसने दिया था हमें काफ़ी अच्छा मूव एंड आज ये एक अच्छी बात हुई है कि इस रेजिस्टेंस को इसने काइंड ऑफ एक सपोर्ट बनाया है। तो मैंने हमेशा बोला है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ना एक रेंज होती है, कभी भी कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे से ये रिवर्सल लेके आया है। तो अभी के लिए देखें तो यहाँ पे RSI की भी हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि RSI भी उस पॉइंट के आसपास है जहाँ से रिवर्सल लेती है। तो यहाँ पे RSI ने छोटा सा हॉल्ट बनाया है, हो सकता है एक दिन के लिए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर मूव दे जाए, बट ये मुझे लगता है कि सपोर्ट बना चुका है अभी के लिए। BSE पे चलते हैं एक बार। BSE पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो है 10% का एंड एक आज न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है एंड 9 लोग हैं 9 पीपल जिनका चेंज हुआ है। उनके सारे उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन क्या करता है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनकी एजुकेशन जो होता है, उनके क्या सर्टिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है आप खुद भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसा कोई इतनी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन में किसी तरीके का फ़र्क डालेगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्रीज यहाँ पे ओपन होते हुए मुझे दिख रही हैं एंड अगेन क्योंकि काइंड ऑफ वहीं पे क्लोजिंग दी है जब जहाँ कल इसने क्लोजिंग दी थी, तो मुझे लगता है कि अगेन वही एनालिसिस हमारी रहेगी। यही हम टारगेट लेके चले हैं एंड ये हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं 155 के, जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। एंड ये टारगेट हम लेके चले हैं, हमने कल भी बात करी थी। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है कल, आई डोंट एक्चुअली। तो यहाँ पे हम ये टारगेट 20th of April तक का लेके चले थे कि यहाँ तक मूव दे सकता है, मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही दे जाएगा, बट फिर भी हम ये टारगेट लेके चलेंगे अभी। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है इलेक्शन की वजह से वॉलीटिलिटी काफ़ी रहने वाली है, तो हो सकता है कि इसको ये थोड़ा सा सपोर्ट बनाए, एक दो दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद ये मूव दे, ठीक है। और वो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 100 मिलियन के आसपास एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 81 मिलियन के आसपास आया है NSE पे। तो BSE का वॉल्यूम बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, यहाँ पे NSE का ही शो कर रहा है। तो मैं उस नज़रिए से लेके चलूँ, हालांकि ये अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम आया है, बट अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता तो हो सकता है कि हम थोड़े से मूव भी यहाँ पे ले सकते थे। बट anyway, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं वॉल्यूम को एंड RSI उस स्टेज पे है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे को करेक्ट हो और उसके बाद मूव दे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न वो देखा भी गया है यूजली, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।